नमस्कार, स्वागत है आपका सरमे टाइम्स में। पूरे देश में आचार संहिता लगी हुई है और लोकसभा की तारीखें नज़दीक आ चुकी हैं। प्रदेश में भी जल्द ही लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और पहले चरण के चुनाव बस्तर में होने वाले हैं। रायपुर में जो चुनाव होने वाले हैं वो मई में होने वाले हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या इंतज़ाम किए गए हैं और किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, इसके लिए आइए सीधा बात करते हैं SSP संतोष सिंह जी से। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ज़िले में पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है, विशेषकर निष्पक्ष चुनाव हो सके इसके लिए हम लोग अलग अलग जगहों पर नाका पॉइंट्स लगाए हैं, जहां कैश लीकर और ऐसे सामान जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उनकी धरपकड़ भी की जा रही है। साथ ही साथ ज़िले में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो इसके लिए जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उस पर प्रिवेंटिव एक्शंस में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और लगातार ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जा रहा है। हम लोग की पूरी कोशिश है कि आगामी चुनाव जो है निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। ईद और नवरात्रि जो है अभी आचार संहिता के दौरान पड़ रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये चुनाव के दौरान ये पड़ने वाले त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इसके लिए जो सबसे बड़ी जो त्यौहार के हिसाब से तो हम लोग व्यवस्था लगाते हैं, लेकिन अतिरिक्त पेट्रोलिंग जो है वो हम लोग कर रहे हैं और जिसको सभी GOs को अलर्ट किया गया है वो खुद ही अपने अपने एरिए में मॉनिटरिंग करेंगे ताकि ये जो चुनाव ये जो त्यौहार है ये शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण तरीके से बिना किसी दिक्कत के संपन्न हो। तो अभी आपने सुना SSP संतोष सिंह को, जिनका कहना है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है और त्यौहार सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए जा सके इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और आपराधिक तत्वों के ऊपर भी लगातार निगरानी की जा रही है और उनकी धरपकड़ की जा रही है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अरुण जंघेल के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, सरमे टाइम्स रायपुर।